स्टूडेंट हम लोग बायोलॉजी के फोर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और डिसिसिव रोल प्ले करेंगे आपके सेमेस्टर वन एमसीक्यू एग्जामिनेशन को लेकर क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जो मुझे बताया गया है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूं क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लानशन ताकि आपको प्रत्येक चीज समझ में आए ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिएगा पेयर ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति में जो पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है इसके लिए जीन जो रिस्पॉन्सिबल है तो इसके लिए एलिज जीन्स के बारे में कहा जाता है क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एलिलीज होता है जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीन या मेंडेलिन कहलाता है फैक्टर जो कि सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम में होता है और एलिलीज या फिर कह लीजिए कि एलिलोमोफस कंट्रोल करता है डिफरेंट एक्सप्रेशन और ट्रेट्स कैरेक्टर सेम कैरेक्टर के जैसे टॉलनेस हो गया हो गया इसलिए टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एलिली इज नॉट एक्सप्रेस्ड जो कि एलि के कंट्रास्ट में अपोजिट प्रेजेंस में यहां पर नॉट एक्सप्रेस्ड हो रहा है तो इसके लिए रिसेसिव को हम लोग ठीक करेंगे अब आप पूछेंगे रेसेसिव क्यों तो रेसेसिव के बारे में जान लीजिए कि रेसेसिव एलिलीज होता है इसको एक्सप्रेस करते हैं होमोजाइनोगस जीनोटाइप में और हेट्रोजाइनोस जीनोटाइप में बोथ डोमिनेंट और रेसेसिव एलिलीज ऑफ अ जीन होते हैं इसलिए डोमिनेंट एलिलीज मास्क है सॉरी डोमिनेंट जो एलीलीज है वो एक्सप्रेस करता है रिसेसिव एलीलीज इन द हाइब्रिड जीनोटाइप में इस एक्सप्लेनेशन को आप याद रखिएगा थर्ड है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय रूट सेल दैट ड्राइव्स अ एक्सेंट ऑफ एसेंट ऑफ सैप सैप के एसेंट को बढ़ोतरी के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है तो रूट प्रेशर के कारण ही ऑफ ऑफ होता है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा गड़बड़ हो रहा है यहां पर जिसके लिए इग्नोर कीजिएगा जो रूट प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है इस प्रेशर को जनरेट करने की वजह से कंट्रोल सेल ऑफ द रूट जिम्मेवार होता है जिसके कारण पुश करने पर वाटर और मिनरल्स है जो जाइलम वेसल्स में जाते हैं थर्ड है एक अपरेटस जो मेजर करेगा रेट ऑफ वाटर अपटेक इन अ कट सूट ड्यू टू ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन के कारण कट सूट में वाटर अपटेक को मेजर करने वाला अपरेटस क्या कहलाता है इसको हम लोग पोटोमीटर कहते हैं पोटोमीटर को आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं फ्लोएम ही वो टिश्यू होता है जो प्लांट के कंडक्ट करता है फूड मोड को और लिब से में कवर करता है यहां पर टी को याद रखना है क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द दोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक जितने भी ब्लैंक हैं इसके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होंगे डैश बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए डीएनए के नाइट्रोजनस बेस में क्या प्रेजेंट होता है तो यहां पर आप देख लेंगे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन के कारण ही क्या होता है कि प्यूराइन और पायरिमाइंड कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अकर होते हैं फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम यहां पर हाइड्रोजन को याद रखेंगे फिर बी क्वेश्चन है डैश ऑफ

इट कंटेन्स वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम केवल एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम को रखता है फिर सी क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सल तो स्वाइल से रूट हेयर यहां पर देखेंगे कि स्वाइल से जो भी वाटर प्लांट को एब्सॉर्ब करता है तो ये रूट हेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और रूट हेयर के कारण ही वाटर होता है और जो टेबुलर आउटग्रोथ जो एपिब्लेम का हो सेल का होता है प्रजेंस इन जस्ट एब जोन ऑफ इलोंगेशन तो इसके कारण ये सारे स्ट्रक्चर फेनोमेना होते हैं डी है कि वैक्स लाइक लेयर ऑन द एपिडर्मस ऑफ लीव लीव के एपिडर्मिस में जो पाया जाता है वैक्स लाइक लेयर एक स्ट्रक्चर होता है और रिड्यूस करता है ट्रांसपीरेशन इसको कहते हैं क्यूटिकल तो वैक्सी लेयर नोन एज द क्यूटिकल कवर्स द लीव ऑफ ऑल प्लांट स्पेसिस और यह क्यूटिकल रिड्यूस करता है रेट ऑफ वाटर लॉस ऑन द लिफी सरफेस को इस तरह के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूं ध्यान रखना है सेक्शन ए का ई e क्वेश्चन आपके पास अब आ रहा है डैश इज द ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट प्लांट का हरा वाला पार्ट होता है ना इसमें क्या प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर आप स्ट्रो Astror... अस्टोरोमा आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट होता है अस्टोरोमा इज कलरलेस फ्लूड जो कि फिल करता है स्पेस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट और इसके कारण ये चारों ओर से इनक्लोज कर देता है ग्राना को एंड को यहां पर इसलिए स्टोरमा हम दे देंगे अब थ्री क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द फोर ऑप्शन गिवन विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं है तो हम लोग जान लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो बना हुआ है वो नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है फॉस्फेट से बना हुआ है और सुगर से बना हुआ तो आर इसका पार्ट नहीं होता इसलिए टू यह करेक्ट आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन बी मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज मेंडेल ने पी प्लांट को इसलिए सेलेक्ट किया था कि सेल्फ पोलिनेशन का नेचर होने की वजह से प्ली पी फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं और सेल्फ पोलिनेशन के कारण प्रिवेंट हो सकता है रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ये बात को याद रखनी है इसलिए द पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ पोलिनेशन इन नेचर यहां पर याद रखने फिर सी है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन इसके क्या वजह होते हैं तो इसका आप एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस जैसे गैस हो गया लिक्विड हो गया या सॉलिड हो गया फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन या रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन होता है इसलिए आपके पास डेफ्यूजन करेक्ट आंसर है विध एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दिया डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन का पार्ट क्या नहीं होता है तो ट्रांसपीरेशन इज कैटेगोराइज बेस ऑन इट्स अकरेंड थ्रू प्लांट लाइक स्टोमाटा क्यूटिकल एंड लेंटिकल्स और लेंटिसल्स तो यहां पर इसीलिए अस्टोम क्यूटिकल्स एंड लेंटिकल ट्रांसपिरेशन भी हम लोग नाम सुने हैं और इसलिए ट्रांसपिरेशन ही माना जाएगा इसको और ये सारे तो प्रोजेंट ही हो रहे हैं या वर्क ही कर रहे हैं फिर अ डिस्टार्च प्लांट इज वन हुज हुस्टार्ज प्लांट किसको कहते हैं तो करेक्ट रूप से लीव्स आर फ्री फ्रॉम स्टार्च डिस्ट स्टार्च है स्टार्च है नहीं रहता है प्लांट इज़ इज़ वन इन द डार्क टू रिमूव द स्टार्च फ्रॉम द लीव्स सेक्शन बी फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन को अब हम लोग फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है यहां पर ध्यान से इसको देखिएगा सेल साइकिल सेल साइकिल क्या है तो सेल साइकिल कंप्राइजेस ऑफ टू फेज एक है इंटर फेज जिसको जी वन एस एंड जी टू फेज कहते हैं और फेज ऑफ डिवीजन कहते हैं जिसको मिटोसिस एंड मियोसिस कहते हैं जिसको हम एम फेज कहते हैं यहां पर जी वन एस एंड जी टू के अलावा एम फेज कलेक्टिवली कॉल्ड या फॉर्म द सेल साइकिल इसीलिए यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही होगा फिर फेनोटाइप इज फेनोटाइप क्या है इसका एक्सप्लेनेशन जान लीजिए सबसे पहले द ऑब्जर्वल फोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिगार्ड टू वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फेनोटाइप तो फेनोटाइप इसी को कहेंगे जिसमें कि फिजिकल एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या एन इंडिविजुअल होता है इसलिए ये ऑप्शन सही है वाटर फोटोलाइसिस किसको कहते हैं तो वाटर फोटोलाइसिस इन फोटोसिंथेसिस इज स्पीटिंग ऑफ वाटर और वाटर का सेपरेट होना होता है वाटर मोलिकुल टू रिलीज हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यहाँ पर इसको देख के आप समझ जाएंगे कि स्प्लिटिंग स्प्लिट करना अलग होता है वाटर मोलिकुल इन द क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फिर टर्जिडिटी किसको कहते हैं तो टर्जिडिटी के लिए आपको एक ऐसा कंडीशन होगा जिसमें कि फुल्ली डिस्टेंडेड डिस्टेंसेड होता है ड्यू टू एंडोमिस तो यह बात को याद रखना है क्योंकि टर्जिडिटी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें फुल्ली डिस्टेंडेड ड्यू टू होता है ये दी प्लांट सेल है जो कि टर्जिड होते हैं एंड प्लांट जो बिलीव करते हैं या डिपेंड करते हैं टर्जिडिटी पर मेंटेनिंग दियर रिजिडिटी फिर ई और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि डिफ्यूजन किसको कह रहे हैं हम तो डिफ्यूजन के लिए आप जब भी देखते हैं तो पता चल जाएगा कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अंडर अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो यहां पर जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन को हम लोग मान के चलते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल मूव करेगा एक ऐसा रीजन जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर इसलिए यहां पर भी वन सही है फिर क्वेश्चन नंबर फाइव जहां पर हमको बताने हैं कि स्टेट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन हाई डे थोडेस किसको कहते हैं हाई डे थोडस तो हाई डे थोडस कहते हैं जहां पर कि वो लीफ मार्जिन पर और टिप पर प्रेजेंट होता है यहां पर इसके बारे में आप जान लीजिए कि हाई डे होता है जो कि स्ट्रक्चर है इन्वॉल्व इन गुटेशन प्रोसेस दैट अकर इन प्लांट प्लांट में ऐसा होता है फिर एपिब्लेमा एपिब्लेमा किसको कहते हैं तो एपिब्लेमा रूट सेल में हो पाया जाता है डीएनए डीएनए के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकेटेड होता है सेल न्यूक्लियस में और न्यूक्लियर डीएनए भी कहा जाता है क्योंकि स्मॉल मोलिक्यूल्स ऑफ डीएनए कैन आल्सो बी फाउंड इन मिटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में प्रजेंट होता है इसलिए डी के बारे में आपको जो देख रहे हैं तो सही ऑप्शन होगा इन न्यूक्लियस फिर सेंट्रोम्यर और सेंट्रोमियर किसको कहते हैं सेंट्रोमोर Centromer और सेंट्रोमियर के बारे में यहाँ पर याद रखिएगा कि एट डिफरेंट पोजीशन ऑन क्रोमोजोम क्रोमोज़ोम के डिफरेंट पोजीशन में ये पाए जाते हैं और इसके कारण यहां पर इसके काफी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड हो जाते हैं फिर ई e है प्रोटीन हिस्टोने प्रोटीन क्या होते हैं तो हिस्टोने प्रोटीन होता है क्रोमेटीन फाइबर कंटेंस लीनियर डीएनए डबल स्ट्रैंड एसोसिएटेड विद द प्रोटीन ऑफ टू टाइप्स बेसिक हिस्टोन एंड एसिड और न्यूट्रियल नॉन हिस्टोन्स कहते हैं इसलिए यहां पर इन एसोसिएशन विथ डीएनए ही होगा क्योंकि डी क्रोमेटीन फाइबर कंटेन लीनियर डीएनए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देख लीजिए कि एक सेमी परमिएबल है जो कि अलाउ करेगा मोलिकुल टू पास थ्रू वाइट ब्लॉकिंग पैसेज ऑफ अदर मोलिकुल्स ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन यहां पर याद रखना है ये लगभग इसका डेफिनेशन है फिर लेंटिसल्स या लेंटिसल्स क्या है तो लेंटिसल्स के बारे में आप जान लीजिए कि अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ गैस फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इसी में यह हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन इन वुडी प्लांट थ्रू डिफ्यूजन और वे अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ गैस एंड रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथ फॉर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए फिर सी है कि मीटोजीन्स तो मीटोजीन्स का एक ऐसा एजेंट होता है जो स्टिमुलेट करता है सेल्फ डिवीजन में मीटोजेंस में और इसलिए यहाँ पर आपके पास थ्री स्टिमुलेट द सेल्फ डिवीजन और क्रैप्टोकिन होता है एंड सम सम्योराइड में इसलिए मीटोजेंस को हम लोग याद रखेंगे एजेंट विच स्टिमुलेट द सेल्फ डिवीजन ये स्टिमुलेट करेगा हमेशा सेल्फ डिवीजन को सेल्फ डिवीजन को बढ़ावा देने में मदद करता है मियोसिस काफी फेमस और आप बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे कि मियोसिस इज द सेल डिविजन इन विच ऑकर्स इन सेक्स सेल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर डॉटर सेल्स यहां पर मियोसिस के बारे में ये याद रखेंगे तो आप प्रोडक्ट ऑफ गैमेट होता है गैमेट का बनना होता है वगैरह इस इस में इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन बुक में देख सकते हैं centrosum, centrosum एक स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम जो कि सेल में पाया जाता है खास करके एनिमल सेल में टू इनिशिएट सेल डिविजन और वो सेल डिविजन को इनिशिएट करता है बढ़ावा देता है सेक्शन सी थर्ड सेक्शन है या एक आउटलाइन स्केच है ट्री का दे दिया गया डायग्राम है और इसके स्टडी के आधार पर आपको कई सारे आंसर देने हैं तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट बायोलॉजी आईसीएससी क्लास टेंथ के एमसीक्यू क्वेश्चन में यहां पर हो जाता है इसलिए एक एक चीज को याद रखनी है मेरे बच्चे नेम दिनोमेन दैट इज लेबल इन डायग्राम ए यहां पर एक लेबल है तो इसके फेनोमेना को क्या कहते हैं एग्जैक्टली एयर ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर है तो यहां पर ट्रांसपिरेशन ही होगा फिर बी आपके लिए कौन सा काम को कर रहा है जो कि एरो इंडिकेट करता है तो बी में आप देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर जो इस तरह से जा रहा है ना ये स्ट्रक्चर ट्रांसलोकेशन है क्योंकि वाटर जब भी ऑब्जर्व होता है रूट के द्वारा तो ट्रांसलोकेशन टू ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द ट्री ट्री के जितने भी ऊपर वाले पार्ट है ना एरियल पार्ट उसमें होते हैं थर्ड क्वेश्चन है विच प्रोसेस डज आरओसी इंडिकेट इन रेलेवेंस टू द डायग्राम अब सी में यहां पर रूट है इसके बारे में पूछा जा रहा है तो ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट रूट का एक मेन फंक्शन है कि वो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन रूट हो जो वाटर को अब्सॉर्ब करता है फिर डी है वी व्हाट इज द इंपोर्टेंस फेनोमेना सोन बाय ए इन प्लांट तो ए के द्वारा कौन सा फेनोमेना को शो किया जा रहा है तो ट्रांसपीरेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ यह हेल्प करता है कूलिंग ऑफ प्लांट और पंपिंग वाटर एंड मिनरल टू द लीवस यहां पर इसलिए यह इस बात को आप देखेंगे तो डी का आंसर हो जाएगा तीन दोनों सही इट हेल्प्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम प्लांट और कंट्रोल करता रेट ऑफ वाटर बीइंग बाय रूट अब यहां पर फिर एक एक क्वेश्चन है कि फैक्टर जो इंक्रीज करेगा रेट ऑफ फेनोमिना सोन तो ये आपको ऊपर फिगर यहाँ पर देख रहे हैं इस एक फेनोमिना को शो कर रहा है और इसके बाद चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो ये विंड वेलोसिटी ही होती है क्योंकि इन हाई विंड वेलोसिटी द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज करता है और बिकॉज ऑफ ब्लोइंग ऑफ विंड ये आपके हो गए फिर क्वेश्चन नंबर एट और लास्ट क्वेश्चन है यहां पर अगेन एक डायग्राम दिया गया है जो कि स्टेज ऑफ सेल डिवीजन का सेल डिवीजन का सेल का बंटवारा हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो इसमें आपको बताने हैं विच स्टेज ऑफ सेल्फ डिवीजन इज सोन यहाँ पर एक स्टेज है सेल्फ डिवीजन सेल डिवीजन का ये कौन सा स्टेज है तो ये टेलोफेज स्टेज है क्योंकि टेलोफेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है रीऐपियर और स्पिंडल फाइबर होते हैं डिसपियर कर देते हैं तो साइटो बिगिंस एंड क्रोमोटिन बिकम थिन ये बात याद रखने है जो मैंने एक्सप्लेन किया है अब यहाँ पर लेबल वन है और लेबल टू है इसके आधार पर आप बता दीजिए कि ये क्या है तो लेबल वन है टेलोफेज में और लेबल टू है आपको देख लेंगे कि ये सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रीअपियर्स एंड क्रोमोजन गेट इन क्लोज टू तो इसलिए यहां पर ये क्रोमोजोम एंड न्यूक्लियस ही आपका होगा ए हो जाएगा क्रोमोजोम और दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तीसरा है नेम द टाइप ऑफ सेल सोन इन डायग्राम ये सेल जो दिखलाया गया है ये कौन सा है तो ये एनिमल सेल स्पष्ट रूप से आप जो देख रहे हैं तो ये वाल वगैरह है इसलिए एनिमल सेल है द टाइप साइटोकेनेसिस रेफर टू साइटोकेसिस किस चीज को रेफर कर रहा है तो साइटोकाइनेसिस समेशर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को रेफर करता है लास्ट ऑप्शन है और यह ऑप्शन बताता है कि आफ्टर माइटोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल जिसके डिवीजन करता है यूकैरियोट और यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में और इसके कारण प्रोडक्शन होता है टू आइडेंटिटी सेल यहां पर टू करेक्ट ऑप्शन है और इस तरह से मैंने आपको फोर्टी क्वेश्चन बायोलॉजी आईसीए के बताए हैं विथ एक्सप्लेनेशन तो आप सब्सक्राइब करने के साथ चैनल को लाइक like कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर करना अवश्य याद रखिए ऑल द बेस्ट